हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत दिन से ये वेट था कि नीट का जो है अनाउंसमेंट है कि एक बार होगा साल में या फिर दो बार होगा, ये कब आने वाला है। तो फाइनली ये अनाउंसमेंट अब आ चुका है कि आपका नीट एक बार होगा या दो बार होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ और सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा या फिर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी चीज़ें मैं आज इसकी वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि नीट एक बार होगा या दो बार होगा, इसका क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं, लेकिन एक न्यूज आर्टिकल आया है जो कि आप ऑथेंटिक मान सकते हो, और ऑथेंटिक ही है तो आप 100% श्योर मान सकते हो जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। मतलब कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो अलाउ कर दिया है नीट को दो बार कंडक्ट कराने के लिए साल में। तो देखिए, मैं इस आर्टिकल को पहले आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है, स्टार्टिंग दिस ईयर द नीट will be conducted twice as the Union Ministry of Health and Family Welfare has given a green signal for the same, paving the way for the examination to be organized on the lines of the JEE Main। यानी कि कहा गया है कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो जैसे JEE चार बार लिया जा रहा है, वैसे ही आपका नीट का एग्ज़ाम जो है वो भी दो बार लिया जाएगा साल से, और इस साल से स्टार्ट होगा। तो समझ लीजिए कि हर एक साल जो है अब नीट दो बार ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये अब आपका फाइनल हो चुका है कि नीट का एग्ज़ाम जो है साल में दो बार होने वाला है। तो ये है कुछ चीज़ें, और बाकी इसमें आर्टिकल में यही लिखा है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी नहीं रिलीज़ किया गया है, अभी वो भी वेट किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा, और बाकी सारी चीज़ें वही लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो बाकी वो मतलब नहीं बनता पढ़ने का। स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो साल में अब दो बार होने वाला है, यानी कि ईयर में टू टाइम्स होने वाला है, और जैसे जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपका अब नीट का एग्ज़ाम होने वाला है साल में दो बार, ठीक है। तो यही था आपके लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और बाकी आप बात कर लें कि एग्ज़ाम का डेट क्या होने वाला है, अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिलहाल अभी एग्ज़ाम का डेट कोई भी अनाउंस नहीं किया गया है। अभी जो भी जैसा भी चल रहा है वैसे ही है, अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया गया है। जब भी अनाउंस होगा मैं आपको तुरंत ही बताऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये जो है पूरे NTA पे डिपेंड करता है कि NTA कैसे एग्ज़ाम लेती है, NTA ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी, ऑफलाइन एग्जाम लेगी, या फिर दोनों मोड से कंडक्ट कराएगी। यानी कि जिस बच्चों को ऑनलाइन देना होगा वो बच्चे ऑनलाइन देंगे, जिन बच्चों को ऑफलाइन देना होगा वो बच्चे ऑफलाइन देंगे। टोटली डिपेंड करता है NTA के ऊपर, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारी है उस पर डिपेंड करता है टोटली कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये अब NTA के पास है कि वो कैसे करवाते हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं या ऑफलाइन करवा रहे हैं या दोनों मोड से करवा रहे हैं। तो ये तो फाइनल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सिलेबस रिड्यूस मेरे ख्याल से मानो आप तो नहीं होने वाला है, सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। और जो अभी फिलहाल आपने देख रहा है कि नीट जो है ट्वाइस अ ईयर होगा, यानी कि साल में दो बार होने वाला है, तो इस कारण से क्या है कि इस कारण से कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई होने वाला है। तो आप अगर मान लो अगर सिलेबस रिड्यूस भी होता है तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि जब दो बार एग्जाम होगा तो कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही हाई रहेगा। तो आपको इस कॉम्पिटिशन से ऊपर निकलने के लिए कुछ तो अलग करना होगा, तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, अगर सिलेबस रिड्यूस भी कर दिया जाता है तो वो टॉपिक जो होता है को रिलेटेड होता है, तो वो एक तरह से उसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपको फिलहाल तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, सिलेबस कोई भी रिड्यूस नहीं करना है आपको, और होने वाला भी होगा तो भी आपको रिड्यूस नहीं करना है, आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना है। और मेरा मानो तो आप ये जो सिलेबस रिड्यूस का बात है वो होने वाला ही नहीं, सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। जैसे आपने JEE मेंस में देखा सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, और वहाँ क्या किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, और उसमें ऑप्शंस रहेगा कि हाँ कुछ जिन बच्चे को वो क्वेश्चन करने वो करेंगे, जिनको दूसरा करना है वो दूसरा करेंगे। तो मेरा मानिए तो अगर नीट में भी हो तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर उनका मन होगा कि हाँ सिलेबस रिड्यूस करना होगा तो सिलेबस रिड्यूस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा कि आपके पास चॉइस रहेगा कि हाँ उसमें से मान लीजिए आपका अभी आ रहा है 180 क्वेश्चंस, तो वहाँ 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चंस ऐसे दे
देंगे, लेकिन आप इतना मान लो कि आपके पास कोई सिलेबस रिड्यूस का कोई चांस नहीं है, आपको सिलेबस रिड्यूस के पे ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था। तो यहाँ पे इस वीडियो से आपको क्या क्लियर होता है कि आप जान लो कि आपका एग्ज़ाम जो होता है साल में वो दो बार होने वाला है, आपको अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का बात रहा तो वो NTU डिसाइड करेगी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और बात रहा सिलेबस रिड्यूस का, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल कोई सिलेबस रिड्यूस होने का कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। और अगर मेरा प्रिडिक्शन माने तो एग्ज़ाम का डेट कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम का डेट आपका बोर्ड से पहले तो नहीं होगा, बोर्ड्स और JEE मेन से पहले तो नहीं होगा। तो मई में एग्ज़ाम होने का चांसेस 99% नहीं है कि मई में एग्ज़ाम हो, यानी कि मई में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है आपका। जब भी एग्ज़ाम होगा जुलाई फर्स्ट वीक, नहीं तो जुलाई में ही होगा। तो आप इतना मान लो कि मई में नहीं होगा। और अगर दूसरा एग्ज़ाम का बात करें तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरे ख्याल से जुलाई में हो जाना चाहिए, और सेकेंड एग्ज़ाम जो है वो एक दो महीना बाद, या अप्रॉक्सीमेट आप दो मंथ गैपिंग या डेढ़ मंथ गैपिंग मान सकते हो। तो अगस्त सितंबर सितंबर में हो जाएगा ये आपका सेकेंड एग्ज़ाम। तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। बस आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही चेंजेस आ रहा है कि नीट का एग्ज़ाम जो है साल में दो बार होने वाला है। तो बस यही सारे इन्फॉर्मेशंस मुझे आपको इस वीडियो में देना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।